अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। ये स्टूडियो देख रहे हो, ग्रीन पर्दा। एक्चुअली मेरा स्टूडियो नहीं है, आज मैं आया हूँ सदरे भाई के पास। कल शाम में आप हम लोग आए एक्चुअली दमाम से, रियाद में कुछ ज़रूरी काम था, तो सदरे भाई बोले आ जाओ मेरे यहाँ रुक जाना। तो रात में 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे। काफ़ी अच्छा लगा, पहला मीटिंग था सदरे भाई के साथ में, इनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा। और अभी वो तो है नहीं, हम लोगों को छोड़ के वो अपना ड्यूटी में चले गए, तो हम लोग भी अभी जा रहे हैं। तो ये उनका स्टूडियो, यहीं से वो वीडियो बनाते हैं। इनके साथ भी एक इंटरव्यू का वीडियो मैं शूट करा हूँ, वो मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्दी, आप लोग देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो से पहले मैं वही वीडियो अपलोड कर दूँ। तो चलिए, बहरहाल बाहर में हमेशा आप लोग देखते होंगे, सदरे भाई का वीडियो देखते हो, तो एक पहाड़ी एरिया है जहाँ से वो हमेशा वीडियो बनाते हैं। और वो काफ़ी अच्छा लगा, रात में गया था मैं, लेकिन अंधेरा था तो मैं वीडियो नहीं बनाया, तो मैं सोचा इस पर एक ब्लॉग बनाता हूँ। अभी मैं आप लोग को वो एरिया दिखाता हूँ। तो रूम से निकल गए भाई, ये सदरे भाई का रूम पार्टनर है। क्या नाम है अच्छा, आपका? मेरा नाम है अबुल बशर। मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग ये भाई को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। अभी आए छुट्टी से, अच्छे से रहिए, अच्छा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, शुक्रिया ठीक भाई, है, सलाम अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। तो भाई ये सदरे भाई का एरिया सही में बहुत ज़बरदस्त एरिया है। इधर ये पूरा एकोमोडेशन है, सऊदी लोगों का घर है, यहाँ मस्जिद है। और आप लोग को पता होगा सऊदी लोग बहुत शांत होते हैं, उनको शांति से रहना पसंद है, तो इधर बहुत शांति है यार, बहुत अच्छा नज़ारा है। अभी मैं इधर जा रहा हूँ, वो एरिया दिख रहा है, पूरा पहाड़ी एरिया है। कल रात में गया था, मेरे को डर लग रहा था क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ उधर जा करके। थोड़ा बहुत मस्त नज़ारा है एकदम। और मालूम है वहाँ पे पानी भी है, नीचे में गड्ढा है, पानी है, मछली भी है। सदरे भाई ने मुझे दिखाया तो मैं देख के बहुत मतलब शॉक्ड हो गया कि यार यहाँ पे भी पानी है और ये पहाड़ का ही सोर्स है। नहीं तो सऊदी अरब में ज़्यादातर जगह में क्या रहता है, बालू पत्थर, ये सूखा एरिया रहता है पूरा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उधर। मेरे साथ में ये एहसन अल्लाह भाई भी है। भाई इधर देखो, इन्हीं का काम से एक्चुअली मैं रियाद आया हूँ। ये बंदा नया आया है और थोड़ा सा मतलब काम था इनको रियाद में, तो वहीं पे आए। देखो ये इस टाइप का पत्थर उत्थर, ये मेरे को एक बार तो ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया टाइप का है। कुत्ता भी है यार, मेरे को लग रहा था इससे पहले कि सऊदी में कुत्ता नहीं है। इधर देखो कुत्ते भी है, वो देखो कुत्ता लोग भाग रहा है। बहुत दिन के बाद कुत्ता देख रहा हूँ मैं सऊदी अरब में। ओ भाई भोको मत, ब्लॉग बना रहा हूँ, काटना उटना मत। तो चलो उधर नीचे जाता हूँ, मेन जो जगह है ना उधर जा रहा हूँ। ये देखिए बहुत मस्त नज़ारा है, ये पूरा पहाड़ पहाड़ टाइप में। एक्चुअली मेरे को ऐसा जगह पसंद है बहुत, जो थोड़ा अद्भुत हो, शांति वाला हो, माउंटेन फॉरेस्ट इस टाइप का एरिया मेरे को पसंद लगता है। मैं कैमरा को घुमा के आप लोग को दिखा रहा हूँ। इधर भाई सऊदी लोगों का घर है, कितना सुंदर सुंदर घर है देखो यार। तो चलो अब नीचे जाते हैं। ओ नीचे पत्थर, बहुत तेज पत्थर है, थोड़ा सा फिसलने से कुछ भी हो सकता है, चोट लगेगा। रात में तो मेरे को चक्कर आ रहा था। तो भाई रुको, बहुत स्पीड जा रहे हो यार आप। कल शाम में जब मैं आ रहा था ना रियाद, मैं सोचा उसी समय ब्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन मैंने नहीं बनाया ब्लॉग क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मेरे को थकान था। ऑफिस से ड्यूटी करने के बाद सीधा मैं रियाद आ गया, तो अभी फ्रेश फील कर रहा हूँ, रेस्ट करा रात में। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ब्लॉग बना करके, और रियाद से जो रिटर्न भी जाएंगे हम लोग दमाम, उसका भी ब्लॉग बना देंगे। फिलहाल इधर यार थोड़ा घास भी है, चलो ये भी देख लो आप लोग। ये पत्थर बहुत नोकीला पत्थर, ये देखो घास है, इतना मस्त है यार। इधर एकदम सन्नाटा, इधर आके आराम से आदमी वीडियो बना सकता है। और सदरे भाई का एक वीडियो जो उन्होंने बहुत एकदम इमोशनल होकर के बनाया था, वो यहीं से शूट करा था। चलो वहाँ जाता हूँ मैं, देखिए आपको दिखा रहा हूँ और थोड़ा करीब जा करके। ये है पहाड़ टाइप का, और इसके नीचे देखिए, इसके नीचे में कितना मतलब डाउन है, वहाँ पे रोड है। कितना फीट होगा ये हाइट? 30 फीट होगा, 30 से ज़्यादा हो ना, है 50 है। देखिए रोड, ए मत जाओ उधर, मत जाओ यार, मेरे को तो डर लगता है इसलिए मैं नहीं जा रहा, रात में भी नहीं गया। देखिए कितना 100 फीट से ज़्यादा, और यहाँ पे
इधर देखिए, दिख रहा है वो पूरा हरा हरा घास। सदरे भाई कल बता रहे थे कि वहाँ पे सियार भी है, सियार और क्या क्या कुत्ता, फिर उसको वहाँ पे देखिए रोड है, डाउन में रोड है पूरा। वो रोड का भी लेता हूँ थोड़ा, कितना दूर गया हुआ। सदरे भाई यहाँ से वीडियो बनाते हैं, कहाँ से, यहाँ से वीडियो बनाते हैं। वो लोग अक्सर कुछ ना कुछ पकाते रहते, देखिए यहाँ पे कोयला वयला है। तो भाई लोग मैं पूरा साइड में नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है यार, चक्कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा हाइट है। तो सदरे भाई यहीं से वीडियो बनाते हैं, धूप बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप लोग देखते होंगे। ये पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये हरा हरा पेड़, ये जो है वही उनका बैकग्राउंड में रहता है। ये देखिए गाड़ी भी पार हो रहा है। तो सदरे भाई अक्सर बोलते हैं कि मैं यहीं से वीडियो बनाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। ये वादी टाइप का है, एकदम सुनसान, कोई आदमी नहीं। मेरे ख्याल से ये पहाड़ी होगा, पहले ये पहाड़ था, अभी ये सारा घर बना हुआ है। उधर देखिए, उधर भी घर है, कितना हाइट में ऊंचा में, और ये पहाड़ को ही काट के रास्ता बनाया है। सल्ला भाई कुछ बोलोगे, कैसा लग रहा है ये जगह को देख करके, कुछ फीलिंग आ रही है क्या? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसाउल्ला है, सनावर भाई का बड़ा भाई है, गाँव से लेके, वहाँ से शहर से लेके। ये जगह को नहीं लग रहा कि हम लोग सऊदी में है, ऐसा लग रहा है कि कहीं और आए हुए हैं। देखने में नहीं लग रहा कि सऊदी, इतना गहराई जगह है, पेड़ है, रोड है, लाइट भी, सब कुछ है, शांत है। मैं तो शहर सिटी एरिया में ही रहा ना, कुत्ता उत्ता भी नहीं देखा था मैं। कुत्ता उत्ता सब कुछ है, और सामने लोगों का सऊदी लोगों का घर भी है, इधर भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, सऊदी लोगों का घर है, फार्म हाउस बनाया हुआ। आप सोचे थे क्या ऐसा भी जगह है सऊदी? नहीं, ऐसा जगह हम पहली बार देख रहे हैं। खाली रंबल देखे हैं सऊदी में, रंबल तो बहुत है, लेकिन ऐसा वाला पहला बार हम देखे। वीडियो में मेरे ख्याल से उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा कि कितना गड्ढा है, लेकिन बहुत गड्ढा है भाई। शाम का टाइम होने से और क्लियर आता है, लेकिन अभी शाम नहीं है धूप की वजह से, है ना। और उधर कैसा दिख रहा उस साइड पीछे का, बोलो आप कुछ। पीछे का भी लुक देखने में लग रहा भाई 60-80 फीट से ज़्यादा ही होगा गहराई, डीप नीचे तक का, है ना। एक तो स्लोप जैसा, मेरे को 60 से भी ज़्यादा लग रहा है, 100 होगा भाई, 100 से ज़्यादा ही होगा ऐसा लग, है ना। हाँ, बहुत स्लोप है ना, इसका वजह से ज़्यादा लग रहा है हाइट। धूप भी आ रहा, आप लोग देख ही सकते हैं कितना ऊपर में घर है। इसलिए अभी 9 बजने जा रहा, तो धूप भी आ रहा, तो मैं उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, धूप बहुत चेहरा में मार रहा। चलो चलते फिर उधर। अब चलो भाइयों, ये मैं ब्लॉग बना ही रहा था, सदरे भाई ने मुझे एक्चुअली रात में बताया था कि सुबह में एक दोस्त आएगा, वो तुम लोग को छोड़ देगा रियाद में, क्या नाम है, बाता में छोड़ देगा। तो ये भाई हैं, और अच्छा लगा इनसे मिल करके, एक्चुअली ये भी यूट्यूबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका नाम बताइए थोड़ा, अपने बारे में बताओ। मोहम्मद शाहरुख है, और वैसे तो यहीं पे काम करते हैं हम भी, सऊदी में 7 साल हो गए। हाउस ड्राइवर का काम। कहाँ से आप? यूपी से। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा जी। तो गाइस देखो, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, सदरे भाई के साथ में रहते हैं, और इन्होंने भी बहुत सही कदम लिया है कि यूट्यूब पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और इनका भी स्टार्टिंग फेज़ है। तो इनका चैनल का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी सऊदी में घूमते रहते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। तो ज़रूर आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे इनका ब्लॉग देख करके, आप लोग पसंद करोगे। तो ऑल द बेस्ट शाहरुख भाई। शुक्रिया। अच्छे से काम करो जी, इंशाल्लाह, और आगे भी मिलेंगे। तो यार ये एरिया बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत प्यारा है सच में। देखो व्यू देखो, अभी तो अगर आपके पास टाइम होता ना, तो आज रुक जाते तो आज पूरा वादी सब कुछ आपको घुमाने वाले थे, कसम से, बस आज रुक जाते तो। तो एक्चुअली हम लोग काम से आए हैं, तो नहीं रुक रहे हैं, इंशाल्लाह बाद में आएंगे कभी इंशाल्लाह। ये जो एरिया है जी, ये मतलब बनाया गया है या पहले से ऐसा था? आप तो 7 साल से, ये था तो पहले से ऐसा, लेकिन अभी जो है इसमें रोड वगैरह, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपको सनावर भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पार्क बने हुए इसके अंदर में, मछली छोड़ी हुई है, बत्तखें छोड़ी हुई है आगे चल के। हाँ मैंने वीडियो देखा मछली का, वो यहीं पे है क्या? यहीं कहीं है। वो कहाँ पे? वो थोड़ा आगे है 24 नंबर की तरफ, उधर से हमें घूम के जाना पड़ेगा, अगर आप कहोगे तो लेके चलते हैं फिर, अपने भाई लोगों को दिखाते हैं फिर। लेट होगा क्या? फिर हम लोग बता भी जाएंगे, मतलब थोड़ा सा, चलो वो तो देखते हैं, अगर गाइस इंशाल्लाह अगर टाइम रहा तो जरूर दिखाने वाले हम लोग। चलो अगर मैं नहीं दिखा पाया, आप अपना ब्लॉग में जरूर दिखाइए ये सारा चीज़। बिल्कुल पूरा दिखाने वाला इंशाल्लाह, साथ में मिलके इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम आओगे तो पक्का फुल चील करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो और चलो, इस बार बता के आना कि भाई हम यहाँ पे जा रहे हैं, ताकि और भी जो बंदे हैं वे जरूर आपसे मिलने जरूर। एक्चुअली मैं अर्जेंट में आया, मैं आने का प्लान नहीं था, 1:30 बजे ये भाई देख रहे हो जी परेशान है थोड़ा, तो उन्हीं का काम को लेकर के मैं आ गया। तो चलो नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे, आप लोग आप भी आओ दमामा इंशाल्लाह, सदरे भाई भी बोले हैं दमामा आएंगे, आप भी आओ। तो चलो
अभी हम लोग चल रहे हैं बथा की तरफ, और सानावर भाई को काम भी है और थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए तो चल रहे हैं। पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख तो बहुत जोरों से लगी भी है। चलिए चलिए, ओके ओके। तो भाई चलो बैठ गए गाड़ी में, जा रहे शाहरुख भाई के साथ में। शाहरुख भाई जी सर, हम लोग तो नए हैं, आप तो पूरा घूमे और याद है। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा सिटी है यार। बहुत देखो कैपिटल तो यही है और खूबसूरत तो इसे ही बनना चाहिए। और इंशाल्लाह हो सके आने वाले वक्त में ऐसी ऐसी सिटी है जो बहुत खूबसूरत होने वाला है ये एरिया। आप अपना ब्लॉग में दिखाया करें जिधर भी जाते हैं ना। चलो भाई पहुंच गए खाने के लिए होटल में, कुछ खा लेते उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सर, चलिए। ये केरला रेस्टोरेंट है, इसमें कुछ लाइट वेज ब्रेकफास्ट करते हैं। एक्चुअली ऑर्डर लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये भाई साहब मेरे साथ में बैठे हुए बोल रहे हैं मेरे को भी थोड़ा ब्लॉग में कैप्चर कर लो यार। क्या नाम है भाई जान आपका? फैज अहमद। आप यहीं पे काम करते हो भाई? ये आदमी आप यहीं पे काम करते हो? सऊदी अरब में काम करता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो आप? खाली कुछ नहीं, खाली सऊदी अरब में काम करता हूँ, खाली पेड़ों को पानी देता हूँ। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है सर? शाहरुख भाई, ये रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बोलोगे आप? ये रेस्टोरेंट केरला है और खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। क्या अच्छा है यहाँ पे? यहाँ पे पूड़ी भाजी मिलती है और मसाला डोसा मिलता है, इडली मिलती है, यानी जितनी भी केरला डिश है सारी यहीं पे मिलती है। और अच्छा है, मतलब मैं हमेशा यहीं पे जाता हूँ, सादरा भाई भी यहीं पे जाते हैं। अच्छा, तो यहीं पे नाश्ता खाना पीना यहीं पे ही। तो चलो, बहरहाल इनका डाइनिंग तो अच्छा लग रहा है मेरे को, पहला विजिट है मेरा रियाद में, देखता हूँ। चलो भाई ब्रेकफास्ट हो गई, अब चलते हैं हम लोग मेन डेस्टिनेशन पे। कहाँ चलेंगे अभी? बाता बाता, बस बाता के लिए निकल रहे हैं। कितना देर का रास्ता है? इंशाल्लाह यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। चलो फिर चलते हैं, लेट नहीं करते। ये मजनून कुबेरी है। मजनू? हाँ जी, इसे मजनून इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे रोड आप देख लोगे, लेफ्ट राइट और सीधे। जबरदस्त है यार, ये देखो और किधर का व्यू दिखाइए आप। अरे भाई इतना ज़्यादा, कितना खूबरी है भाई, यही रियाद है कैपिटल। हाँ माशाल्लाह यार, खूबसूरत, इसीलिए इसका क्या नाम बोले आप? मजनून। मजनून मतलब पागल खुबरी। हाँ जी, पागल कर देने वाली खुबरी है। क्या यार मस्त कसम से, मिस्टेक हो गया, दूसरा जगह चला जाओगे। इधर का दिखाइए थोड़ा सा, इधर ये खजूर का पेड़ है जी, यहाँ पे नीचे में मछली पालन, पानी होनी है क्या भाई? जी जी, मछली पालन है। हाँ जी, जो मार्केट वालों को मछली मिलते है वही क्या? जी जी, ओ तेरी की, ये पूरा मछली पालन है। हाँ जी, गड्ढा बहुत ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा, ये सब में गड्ढा बहुत ज्यादा है। बहुत प्यारे प्यारे देख रहे हो आप? ओ यार जबरदस्त है, पूरा देसी लोग काम कर रहा, अपना देसी भाई लोग। ये क्या जंगल है क्या? जी, ये सब लग लग पेड़ लगाए हुए जैसे पीने वगैरह, रात में कुछ खाने पीने के लिए मनाना हो तो आओ बैठो आराम से, पैसा हो तो सब कुछ होगा। नहीं कुछ हो। यही बात है यार, क्या मस्त सिटी है रियाद।
तो भाई यही वो मस्जिद है जहाँ पे लोगों की गर्दन काटी जाती थी। तो भाई लोग लुलू का ये पार्किंग है, बहुत बड़ा पार्किंग। शाहरुख भाई जी सर, रियाद मस्त लगा यार, इम्प्रेस कर दिया रे हमने बहुत बहुत। इससे पहले सिर्फ मैं सुना ही था। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, टैक्सी लेने के लिए? तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग टैक्सी लेंगे, टैक्सी लेने के बाद यहाँ से अल खर्ज जाएंगे, जो मेन काम है उसके लिए। तो भाई फिलहाल रोड क्रॉस करना है, ये ब्रिज बना हुआ। गाड़ी नहीं मिल रहा था तो गाड़ी मिल गया शाहरुख भाई, चलो इधर। तो गाइस चलो जा रहे हैं खर्च के लिए। बहुत दिक्कत हुआ टैक्सी के लिए, ये लोग बोलता मेरा गाड़ी में बैठो, बोलता मेरा गाड़ी में बैठो। गाइज सॉरी मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाया रियाद से आते टाइम, क्योंकि हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, जो काम से गए थे वो काम भी हुआ नहीं यार, बहुत मुश्किल है इधर। यहाँ पे अपना हक के लिए लड़ना बहुत दिक्कत है। वैसे मैं एक बंदे के साथ में गया था तो शायद अल्लाह भी मंजूर कर लूँगा। चलो कोई और वीडियो में मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ख्याल रखिए आप लोग अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।